कि अलग अलग जगहों की स्थिति आपको बता रहे हैं बारिश के लिहाज से, लेकिन एक बार फिर से जयपुर की अपडेट आपको बताते हैं। जयपुर क्योंकि बन चुका है जलपुर, राजधानी में 3 घंटे की बारिश ने हाल बेहाल किए हैं। बदतर सीवरेज के चलते जगह जगह पानी भर आया है। बारिश तो है ही, लेकिन ड्रेनेज यहां पर नहीं है और इस वजह से पानी ही पानी नजर आया। कई इलाकों में 1 से 2 फीट तक पानी भरा, जिसकी वजह से लोगों के साथ वाहन चालक जाम में फंसे हुए हैं। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से हालात खराब हो गए। जयपुर के कई इलाकों में कई किलोमीटर का जाम लग चुका है। अजमेर रोड पर हालात सबसे खराब है। नालों की सफाई के अभाव में हालात बन गए हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी बारिश में भी यातायात को दुरुस्त करने में जुटे हैं, लेकिन जल जमाव ने शहर की सूरत बिगाड़ी है। आज की बारिश तमाम उन दावों और वादों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है, जिसमें कहा जाता है कि मानसून से पहले ही हर जगह घूमकर नदी नालों की सफाई की बातें या फिर जो ड्रेनेज की व्यवस्थाएं हैं उसे इस बार तो ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी निराशा हाथ लगी। ड्रेनेज सिस्टम फेल होता हुआ नजर आया। बारिश थी, इसे कोई नहीं मना कर रहा कि बारिश नहीं थी या फिर तेज बारिश नहीं थी, तेज बारिश थी, लेकिन अगर प्रॉपर ड्रेनेज होता तो ये पानी इस तरह से जमा नहीं होता और लोगों को इतनी तकलीफ शायद उस समय नहीं होती, क्योंकि बारिश हर जगह हो रही है। लेकिन जिन जगहों पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक है, राजस्थान के अगर लिहाज से बात करें तो मानसून ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मानसून की बारिश से प्रदेश तरबतर हो गया। प्रदेश में 240 एमएम तक बारिश ऑलरेडी हो चुकी है, जबकि पिछले सालों के मुकाबले 90 एमएम बारिश मात्र अब तक होनी चाहिए थी। प्रदेश में अब तक औसत से 2.5 गुना से ज्यादा बारिश बरस रही है। राजधानी जयपुर की ही अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 100 एमएम बारिश हो गई। कल 50 और आज 50 एमएम बारिश सिर्फ 3 घंटे में हो गई। शाम तक यूं ही राजधानी जयपुर में बारिश का दौर चलता रहेगा। तो चलिए रुक करेंगे, हमारी सहयोगी पूजा दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। पूजा, जयपुर शहर में तो लगातार 3.5 घंटे से बारिश की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो वाकई में बता रही है कि जयपुर शाम तक इस तरह से जलपुर में तब्दील होता हुआ दिखेगा। कहां इस वक्त आप मौजूद हैं, किस तरह की बारिश की तस्वीरें वहां से? जैसे देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ आमेर, जो कि राजधानी जयपुर के बीचों बीच में है और बहुत ही सुंदर जगह कहा जाता है। लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। और देखिए, यहाँ पर मैं एक तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगी कि जब ये गर्मियों में ये जो ये आमेर के जिस नीचे का जो हिस्सा है ये यहाँ पे सूखा पड़ा रहता था, पर अभी कल से ही जो बारिश हुई है उसके चलते ये जो है अब भरने लग गया है। और देखिए, आने वाले कुछ दिनों में कहा जाता है कि ये यहाँ ऊपर तक भरा जा सकता है अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती रही तो। इसके अलावा देखिए, मौसम कल से ही बिगड़ा हुआ था। कल भी तेज रात काफ़ी बारिश हुई राजधानी जयपुर में। बिरला मंदिर, आमेर और जो बीचों बीच बसे हुए जो पर्यटक स्थल है वहाँ पे काफ़ी जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिली है। इसके अलावा देखिए, अभी यहाँ लगातार पिछले 1.5 घंटे से 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। और देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि 1 बजे के करीब तेज बारिश और मेघ गर्जन होने की पूरी आशंका भी जताई थी उन्होंने। इसके अलावा देखिए, कहीं कहीं पर देखिए, आज जैसा कि आपने बताया दर्शकों को कि आज 100 मिलीमीटर बारिश हुए दर्ज कर ली गई है, तो हो सकता है आगामी दिनों में इससे ज़्यादा बढ़े भी। और देखिए, सावन है तो जायज है कि बारिश जो है वो बारिश का जो दौर है वो इसी तरह चलता रहेगा। प्रशासन की ओर से यही कोशिश की जा रही है, किसी को पूरी जानकारी दे रही है। परकोटा क्रॉस कर आप निकली होंगी, कितना समय लगा आपको यहाँ से पहुंचने में आमेर के लिए? क्योंकि पूरा चारदीवारी क्रॉस कर फिर आमेर पहुंची और चारदीवारी की तस्वीरें हमने देख ली है, बहुत जल भराव वहां पर है। वहां पर फिलहाल किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं? और अगर टूरिज्म की बात करें दूसरे सवाल में, तो क्या अभी भी लोग पहुंच रहे हैं आमेर और जो दूसरी जगह है जयपुर की अलग अलग जगहों पर? जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं कि मुझे कितना समय लगा, तो आप मान के चलिए कि अगर कोई मानसरोवर वैशाली या उस साइड से आ रहा है तो उसको लगभग यहां तक पहुंचने में 40 से 45 मिनट लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि देखिए पिछले 1.5 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते जल भराव की स्थिति सामने आने लग गई है अभी। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से अपडेट सहयोगी पूजा दे रही है, लगातार सड़कें दरिया बनी हुई नजर आ रही है। पूजा हमारे साथ बनी हुई, पूजा अपनी बात कंटिन्यू कीजिए।
देखिए ज्योति, देखिए अभी आपने जैसे पूछा कि पर्यटक जो जगह है वहां पर टूरिस्ट कितने आ रहे हैं, क्या वो बारिश में भी जा रहे हैं घूमने के लिए, तो देखिए आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकती हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं इस मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। ये देखिए आमेर है, बहुत ही लोकप्रिय जगह है, यहाँ पर चाहे कोई सा भी मौसम हो, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ देखिए घूमने आते हैं। यहाँ पर देखिए और भी लोग इनसे बात करेंगे। बारिश हो रही है देखिए सर लगातार, है ना, आप भीग चुके हैं पूरी तरीके से, तो क्या कुछ आपको कोई समस्या का सामना करना है? समस्या मैम है क्योंकि रोड के अंदर बहुत ज्यादा कचरा भर चुका है और इतना ट्रैफिक हो रहा है कि मतलब गाड़ियां निकल नहीं पा रही है, उसको मतलब गाड़ियां यहाँ पे बुलाया जाए जो भी होती है मतलब कचरा वचरा उठाने करने की, उसको थोड़ा मतलब साइड में करे, कचरा मतलब बहुत ज्यादा भर रहा है मैम यहाँ पे। जयती जयती देखिए जैसा कि आप अभी बता रही थी कि कहीं ना कहीं ये ड्रेनेज का भी जो मामला है वो सामने आ रहा है कि जल भराव हो चुका है सड़कों पर, और जो गंदी सड़कें हैं मतलब गंदा पानी है जो रोडों पे भर चुका है उससे देखिए कहीं ना कहीं कीड़े मकोड़े और जो सांप जैसी दिक्कतें भी सामने आती है कि लोग उसका सामना करते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, देखिए मैं बात करवाना चाहूंगी, देखिए बारिश हो रही है आमेर, अब घूमने आए, कोई समस्या का सामना करना पड़ता है या मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं आप? मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, और क्या ये थोड़ा रोड खराब हो रहे हैं, इससे थोड़ा पब्लिक को परेशानी आ रही है, जो टूरिस्ट आ रहे हैं ना बाहर से उसको काफी दिक्कत आ रही है, और गवर्नमेंट क्या इस चीजों पर ध्यान दे नहीं रही है। अभी ये रोड खराब हो रहे हैं, काफी गाड़ियां फंस रही है, पलट गई है कई गाड़ियां, इस चक्कर में थोड़ा दिक्कत आ रही है, बाकी तो मौसम सही है, घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जैती आपने देखा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घूमने आ रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, और देखिए मौसम अभी देखिए बारिश बंद हो गई है और ये दौर चलता रहेगा जैती, जैसे मैंने आपको बताया था हल्की बारिश होगी और तेज बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा, पर 1 बजे करीब देखिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि मेघ गर्जन और बारिश गिरने की भी संभावना है, इसी के साथ में आज पूरा दिन भर ऐसा ही मौसम बना रहेगा, और जो लोग हैं यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, और देखिए मैं यहाँ पे और भी लोगों से बात करवाना चाहूंगी कि उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं जो मौसम का जो बदलाव हुआ है, बारिश लगातार जारी है कल से। सर आपका नाम बताइए, और आप मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? मैं शुभम सनकर है, एमपी से आया हूं, कल रात को यहीं रुका था, कल काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, रोड पे पानी भरा जाता है, ट्रैफिक का मतलब कम से कम हमने 3 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में तय किया, काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा, पर यहाँ तो आज फिर भी थोड़ी शांति है। आपकी क्या सर क्या सरकार घूमने जी? मैं भी जबलपुर से आया हूँ घूमने जयपुर, और यहाँ पर मैडम रोड तो अच्छी है लेकिन रोडों में पानी घुटने से ऊपर है, अभी मैं जस्ट मार्केट से आया तो इतना पानी भरा हुआ है, नाले बीच रोड से चल रहे हैं वहाँ पर भी, और कल भी इसी कारण शायद ट्रैफिक डाइवर्ट किया जिसके कारण हमने 1.5 या 2 किलोमीटर का सफर लगभग 3 घंटे में तय करे, और गाड़ियाँ भी खराब हो रही, उससे पर्यटक परेशान हो रहे हैं, बाकी मौसम तो बहुत अच्छा है यहाँ का, सुहाना है, पिंक सिटी है। तो जैती देखिए लोगों को किस चीज से दिक्कत हो रही है, जो जल भराव हो रहा है, जो ड्रेनेज की दिक्कत है एक उससे लोगों को दिक्कत हो रही है, उन्हें मौसम से दिक्कत नहीं है, जो रोडों पे गंदा पानी भर गया हो उससे चाहेंगे। और ये 4 अलग अलग तस्वीरें जयपुर की और दिखा देते हैं, कलेक्ट्रेट की तस्वीरें जहाँ पर इतना लोगों का जमावड़ा रोज रहता है, लेकिन आज अगर आप वहाँ पर होकर निकलेंगे तो इस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जयपुर की तस्वीर, खातीपुरा की तस्वीर, फिर उसके बाद गोपालपुरा की तस्वीर, और फिर तस्वीर कमला नेहरू नगर की, यानी कि 3 घंटे की बारिश और बारिश के बाद ये जल भराव की स्थितियां, कलेक्ट्रेट जयपुर का खातीपुरा इलाका, फिर उसके बाद गोपालपुरा इलाका, उसके बाद कमला नेहरू नगर इलाका, और इस तरह से जयपुर के ऑलमोस्ट सारे इलाकों जिस पर इलाके हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, 3 घंटे का समय ज्यादा हो गया है, 3 घंटे से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की अब बारिश हो गई है, अभी भी छतराई हुई बारिश जारी है, लेकिन मौसम विभाग यही कह रहा है कि आगे बारिश होती रहेगी। पूजा और क्या जानकारी? जैसे देखिए मौसम का लुत्फ उठाते हैं यहाँ पे आपको मेरे पीछे लोग नजर आ रहे हैं, उन्हें जो दिक्कत मैंने अभी आपको जैसे बताया कि दिक्कत बारिश से नहीं हो रही है, लोग जो सड़कों पे पानी भर गया उससे दिक्कत आ रही है। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए, और आप जयपुर के रहने वाले हैं? आमेर के रहने वाला है मैडम, मेरा नाम है समीर। क्या दिक्कत है कि सिटी है ये, कितना टाइम लगता है, क्या समस्याओं का सामना? मैडम यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, जैसे जलमेल पाल हुआ, जैसे रामगढ़ मोड़ हुआ, यहाँ काफी दिक्कत आती है, लोग बागों को आने जाने में बहुत दिक्कत आती है, जैसे आमेर के मौसम के अंदर तो कोई पानी का कोई रुकावट है, या जो भी है सारा पानी माउंटेन में अंदर आता है, महल का जितना भी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अपने सिटी के अंदर बहुत दिक्कत परेशानी उठाना पड़ती है काफी लोगों को। तो अभी आपने बताया आप आमेर के ही रहने वाले हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, आज कुछ कम नजर आ रहे हैं? आज कुछ कम नजर आ रहे हैं, वो इसलिए रोड की समस्या है, कुछ पानी भरा हुआ है, इसी की वजह से टूरिस्ट बहुत कम आ चुके हैं यहाँ पे, बाकी बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है,
दिक्कत है जो सिटी में जैसे जलमेल हुआ बिल्कुल, और इस तरह से बारिश की तस्वीरें आगे भी आती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने।